समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स पर जैसे ही ये पोस्ट आया तो कन्नौज से लेकर मैनपुरी और लखनऊ से लेकर सैफई तक सपा कार्यकर्ता झूमने लगे और इस पोस्ट ने कई कयासों पर भी विराम लगा दिया है, जैसे अखिलेश लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। जैसा अखिलेश ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। नामांकन से पहले ही सबको पता चल गया कन्नौज से सपा का उम्मीदवार कौन होगा। सपा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कल दोपहर 12 बजे कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सपा की तरफ से अखिलेश यादव के नाम का औपचारिक ऐलान होने के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर लिखा, सुगंध की नगरी सकारात्मक राजनीति के जवाब के रूप में नकारात्मक राजनीति करने वाली भाजपा को जिस तरह की पराजय की ओर ले जा रही है, इतिहास में उसे कन्नौज क्रांति के नाम से जाना जाएगा। जनतंत्र में जनता की मांग ही सर्वोपरि होती है। कन्नौज के हर गांव गली गलियारे से जो आवाज उठ रही है, साथ ही जो सपा और इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की भी पुरजोर मांग है, वो सर आंखों पर कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। कन्नौज में सफाई कार्यकर्ता तो इस ऐलान के बाद से ही झूम रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है और कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज के कार्यकर्ताओं की मांग की मान रखी। चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी परेशान हो, आज हर आदमी अगर है तो माननीय अखिलेश यादव। दो दिन पहले तेज प्रताप यादव का नाम की घोषणा हुई थी वहाँ पर, उसके बाद से लेकर किस तरह की मायूसी थी, अब अखिलेश यादव ने खुद यहाँ पे देखिए हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब हमदाओं का आदर किया और जनता की बेहद मांग पर उन्होंने ये स्वीकार किया कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से हम लड़ेंगे और ये चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे, ये कन्नौज क्षेत्र की जनता लड़ेगी। वही चेहरा हमारे कन्नौज से चुनाव लड़े, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज की आवाम का मान सम्मान रखते हुए निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया कन्नौज से लोकसभा लड़ने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग बहुत खुशी हैं और लड्डू वितरण कर रहे हैं। सारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। We'll be right back.